नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 11 नवंबर को ओंकारेश्वर से शुरू होगी 50 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा। निमाड़ एवं मालवा के ग्रामीणों की आस्था और विश्वास से जुड़ी मां नर्मदा की 5 दिवसीय 49वीं धार्मिक ओंकारेश्वर नर्मदा लघु परिक्रमा पंचक्रोशी यात्रा 11 नवंबर से शुरू होगी। करीब 50 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में हजारों श्रद्धालु ओंकारेश्वर से अंजरुद, सनावद, टोकसर, सेमरला, बढ़वा, सिद्धवरकूट होते हुए वापस 15 नवंबर को ओंकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करेंगे। इस संबंध में SDM प्रताप सिंह अगासिया एवं SDOP अर्चना रावत ने जनपद पंचायत सभागृह में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और सरपंचों की बैठक ली। SDM ने कहा कि पंचकोशी यात्रा हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। यात्रा प्रारंभ होने के पहले व्यवस्थाएं पुख्ता करें। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 254 नकद खाद विक्रय केंद्र। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ज्यादा पद। प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 के बजाय 35% पद आरक्षित होंगे। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब 40 के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। सुपरकार की दीवानगी। 3 ऐसी कारें जो देश में सबसे पहले पहुंची इंदौर। इंदौर शहर में बढ़ती आबादी के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। इसी के साथ बढ़ी है सुपरकार्स के प्रति दीवानगी। आज इंदौर की सड़कों पर सुपरकार और एक्जोटिक कारों को सरपट दौड़ते देखा जा सकता है। इनमें से कई कारें ऐसी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इंदौर में लग्जरी कारों के प्रति दीवानगी का आलम कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शहर में मौजूद 3 कारें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत में सबसे पहले इंदौर में डिलीवर किया गया था। मालवा सुपरकार्स क्लब के फाउंडर अशेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि इंदौर में जितनी भी एक्जोटिक कारें हैं वे मुंबई और दिल्ली से मंगवाई जाती हैं। इनमें फरारी, लैम्बॉर्गिनी, मैक्लारेन, रोल्स रॉयस, पोर्शे, बेंटले सहित अन्य ब्रांड की कारें शामिल हैं। इन कारों के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स मॉडल के अनुसार अलग अलग हैं। गुजरात और कोलकाता की कंपनियां करेंगी पीएम मित्र पार्क में 2500 करोड़ रुपए का निवेश। कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। इंदौर से 110 किलोमीटर दूर बदनावर के पास पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क प्रोजेक्ट में गुजरात और कोलकाता की दो कंपनियों ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। इनमें से एक गुजरात की अरविंद मिल कंपनी है जो कि वस्त्र निर्माण की इकाई लगाने की तैयारी में है। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जमीन का निरीक्षण भी किया है। कोलकाता की एक अन्य कंपनी भी यहां होजरी के कई बड़े ब्रांड के लिए होजरी वस्त्रों के निर्माण का प्लांट भी लगाएगी। किसानों का समूह बीमा कर मुकर गया जिला सहकारी बैंक, अब हरजाना भी देगा। खरगोन का जिला सहकारी बैंक किसानों का समूह बीमा करने के बाद दावे के भुगतान के समय मुकर गया। उसने जिस बजाज एलियांज बीमा कंपनी से पॉलिसी ली थी उसने भी किसानों को अपात्र बताकर राहत देने से इनकार कर दिया। 26 किसानों ने 13 वर्ष तक कानूनी लड़ाई हासिल कर न्याय हासिल किया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहकारी बैंक और बीमा कंपनी दोनों को आदेश दिया है कि वे किसानों को बीमा राशि और वाद व्यय के तौर पर 1-1 लाख रुपए का भुगतान करें। भोपाल में 230 स्थानों पर 350% तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। साल में दूसरी बार तय होगी कलेक्टर गाइडलाइन। अगर आप राजधानी के झागरिया खुर्द, नीलबड़, रापड़िया, कटारा हिल्स जैसे इलाकों में मकान, दुकान या भूखंड लेना चाहते हैं तो आपको अपने बजट की ओर फिर से देखना पड़ सकता है। सरकार इन जैसे करीब 230 स्थानों पर संपत्ति की दर बढ़ा रही है। संपत्तियों की दर में यह वृद्धि 5% से लेकर 350% तक होनी है। सोमवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पंजीयन विभाग ने शहर और उससे लगे कुछ ग्रामीण इलाकों के 243 स्थानों पर मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव रखा। दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवानदास सबनानी के विरोध की वजह से 13 स्थानों पर वृद्धि का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। वहीं प्रस्तावित वृद्धि में 5% की कमी करने की बात भी मानी गई।
प्रस्तावों पर चर्चा के बाद शेष स्थानों पर 5% से लेकर 350% तक वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। पंजीयन विभाग बुधवार को नया प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन के हिसाब से ही संपत्ति का पंजीयन होगा। खत्म होगा 2 साल का इंतजार, जिला अस्पताल में होगी MRI। ग्वालियर में 2 साल से जिला अस्पताल मुरार में MRI जांच सुविधा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सोमवार को MRI मशीन जिला अस्पताल पहुंच गई। इससे 5 लाख से ज्यादा की आबादी को इस जांच सुविधा का लाभ मिलेगा। अस्पताल में आकस्मिक उपचार केंद्र के पास मशीन को स्थापित किया जाएगा। यहां PPT मॉडल पर CT स्कैन मशीन निजी एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही है। इसी तरह 1.5 टेल्सा MRI मशीन को भी संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन वर्ष 2023 में MRI मशीन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था। जिला अस्पताल में MRI की सुविधा नहीं होने से मरीजों को JH में MRI के लिए जाना पड़ता है। अब जिला अस्पताल में ही मरीजों को जांच सुविधा मुहैया हो सकेगी। मध्य प्रदेश के थाना परिसरों में नहीं बनेंगे मंदिर, MP हाई कोर्ट ने निर्माण पर लगाई रोक। जबलपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, नगरीय प्रशासन, पुलिस महानिदेशक, जबलपुर के कलेक्टर SP और सिविल लाइन, विजय नगर, मदन महल व लाडगंज थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता OP यादव की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा, ग्रीष्म जैन व अमित पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न थाना परिसरों में मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, लिहाजा निर्माणाधीन मंदिरों का कार्य रोकने का आदेश अपेक्षित है। पिज्जा खाने के शौकीन, शहडोल के डी लाइट कॉफी एंड रेस्टोरेंट से आर्डर किए पिज्जा में निकले कीड़े। नगर में इन दिनों दूषित खाद्य पदार्थ लोगों को परोसा जा रहा है। इसका ताज़ा मामला बीती रात सामने आया है। एक युवक होटल से पिज्जा खरीदी कर अपने घर गया और परिवार के साथ उसे खोला तो पिज्जा में कीड़े रेंग रहे थे। जिले के इतवारी मोहल्ला निवासी रोहन बर्मन ने बड़े ही चाव से स्टेडियम रोड पर स्थित डी लाइट कॉफी एंड रेस्टोरेंट से एक पिज्जा ऑर्डर कर घर ले गए थे। डिब्बा खोलते ही रोहन के होश उड़ गए। सितंबर से अक्टूबर में डेंगू ने सबसे ज्यादा सताया। ग्वालियर जिले में लोग डेंगू के डंक का शिकार हो रहे हैं। केवल सितंबर और अक्टूबर महीने में ही सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। इन 2 महीनों में डेंगू के 1016 मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं इन 2 माह में 5 मरीज की मौत भी हुई। सितंबर में 574 और अक्टूबर में 442 मरीज मिले हैं। डेंगू के सबसे अधिक मरीज शहरी क्षेत्रों में मिले हैं, जबकि जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 1210 मामले सामने आए हैं। इन 2 माह में 84% मरीज डेंगू से पीड़ित हुए, जबकि 9 माह में पीड़ित मरीजों का प्रतिशत महज 16 है। स्वास्थ्य विभाग भले ही लार्वा सर्वे करने का दावा करता रहा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर माह ने विभाग के दावों की पोल दी। इसके बाद विभाग ने अमला बढ़ाने के साथ निगरानी के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को तैनात किया, साथ ही स्कूलों में जाकर बच्चों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। बावजूद इसके डेंगू के केस नहीं थमे।